हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला पार्ट, जिसका एक भाग हमने पढ़ लिया था, दूसरा भाग। तो देखिए अगला पद, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पतिक पठे मधुबन को, बहुरी शोध न करे। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूं बीच मरे। कागद गरे मेघ मशी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को अंधो, पलक कपाट अरे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, मधुबन कहा गया है मथुरा। मधुबन किसे कहा गया है? मथुरा को। गोपिया क्या कह रही है कि ब्रज से श्री कृष्ण जब मथुरा चलेगी, उसके बाद हमने इतने संदेश भेज दिए। कूप का मतलब होते कुएं, यानी जिनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए, इतने सारे संदेश हमने उनके लिए भेज दिए। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरी, यानी हमने इतने सारे संदेश भेज दिए कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए, लेकिन अपनी तरफ से, पटवत का मतलब होता है भेजना, अपनी तरफ से वापस कोई संदेश श्री कृष्ण ने हमारे लिए नहीं भेजा। हमरे फिरी न फिरे, अपनी तरफ से कुछ नहीं भेजा, और न हमारे जो संदेश भेजे गए थे उनका कोई वापस फिर वापस कोई जवाब उन्होंने दिया, न तो अपनी तरफ से कुछ भेजा, न हमारे संदेश का जवाब उन्होंने दिया। जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी शोध करी। जीते ने जितने भी पथिक यानी राहगीर, या जो संदेश के साथ जो व्यक्ति गए थे संदेश लेकर, वो बहुरी ने शोध करे, वो वापस आए नहीं, उन्होंने वापस अगर हमारी शुद्ध नहीं ली। यानी जितने भी लोग हमने भेजे थे संदेश, जिनके साथ भेजे थे मधुबन से मथुरा से, वो वापस आकर हमारी शुद्ध भी उन्होंने नहीं ली, यानी कोई किसी प्रकार का उनका संदेश हमारे पास नहीं आया। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के बहु बीच मरे। गोपिका ने क्या कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि या तो श्याम यानी श्री कृष्ण ने उनको प्रमोदे, प्रमोदे का मतलब होता है वश में करना, या तो श्री कृष्ण ने सिखाकर उनको अपने वश में कर लिया, कहूं के बीच मरे, या वो रास्ते में ही मर गए, यानी मथुरा पहुंचे नहीं, या तो संदेश लेकर वो मथुरा पहुंचे नहीं, और या ये हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया हो, यही कारण हो सकता है कि हमारे लिए वापस कोई संदेश नहीं आया। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरी। फिर और कारण क्या बताती है गोपिकाएं वापस संदेश न आने का, कि हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वो मेघ यानी वर्षा में गरे का मतलब होता है गल जाना, गरे का मतलब गल जाना, यानी हो सकता है कि बारिश के अंदर मथुरा के सारे कागज गल गए। मसी खूटी, सारी स्याही खत्म हो गई, मसी का गया स्याही को, कि या तो यह हुआ है कि मथुरा के सारे कागज बारिश में या बेग में गल गए, या सारी शाही उनकी खत्म हो गई। सर दौ लागी आओ, सर कहते हैं कलम को, सरकंडे की जो कलम बनी होती है उसे कहते हैं सर, उसको दौ, दौ कहते हैं आग को, दावानल यानी जंगल की आग। ये हो सकता है कि या तो उनकी कलम है वो जंगल की आग में जलकर राख हो गई, उनकी शाही खत्म हो गई होगी, या कागज जो सारे मथुरा के है वो गल गए होंगे। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। या एक कारण ये हो सकता है, सूरदास जी क्या करे, सेवक लिखन को आंदो यानी जो मथुरा में पत्र का उत्तर देने के लिए जो सेवक रखा गया है श्री कृष्ण का, वो अंधा हो गया है। पलक कपाट अरे, उसकी पलक यानी आंखों के जो कपाट है वो बंद हो गई है, वो कुछ देख नहीं पा रहा है, ये हो सकता है, इसलिए वो वापस संदेश नहीं लिख पा रहा। आगे देखिए, उदो मन माने की बात, जब श्री कृष्ण
मथुर से उद्धव को भेजते हैं निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने के लिए, तब उससे वार्तालाप जो किया उसके बारे में थोड़ा यह दिया गया है। तो गोपिकाएं क्या कहती है, उद्धव मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष पीरा विष खार। जो चकोर को दे कपूर कोई, तजी अंगार अघात, मधुप करत गर्भोरी काट में, बंधत कमल के पार। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक शुलपटा, सूरदास जाको मन जासो, सोहिताई सुहा। वापस देखिए, उद्धव मन माने की बात, जब उद्धव उनको निर्गुण भक्ति सिखाते हैं तो गोपिका ये क्या कहती है कि ये तो मन के मारने की बात है, अर्थात जो मन में अच्छी लगी बात वही हमें पसंद है, वही हमें वही हम मानते, चाहे वो बुरी हो भली उस पर हम ध्यान नहीं देते। ये तो मन में पसंद आने की बात है, उसी को मानते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगी उसी पर उसी का अनुसरण हम करते हैं। जिस प्रकार आगे उदाहरण दिया, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, विष कीड़ा विष का कीड़ा एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसके बारे में बताया गया है कि विष का जो कीड़ा है, दाक छुआरा और अमृत फल जैसे चीजों को छोड़कर क्या खाता है, विष, यानी वो विषैली चीजों को ही खाता है। हालांकि जगत में बहुत सारी चीजें हैं, फल भी है, दाक है, छुआरा, कई बहुमूल्य चीजें हैं, कई प्रकार के फल है, लेकिन विष के कीड़े को कौन सी चीज भाती है, विष, तो इसलिए वो विष ही खाता है। उसी प्रकार हमारी स्थिति है कि आप भले ही निर्गुण भक्ति का हमें ज्ञान दे, हमें तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते। जो चकोर को दे कपूर कोई, तजी अंगार अघात, जिस प्रकार चकोर पक्षी को कोई कपूर देगा तो उसे नहीं खाएगा, वो खाएगा क्या, तज अंगार घात। ऐसा माना जाता है कि चकोर पक्षी जो है वो अंगारे खाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि चकोर पक्षी को आप कपूर दोगे वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अंगारे ही पसंद है तो अंगारे ही खाएगा। मधुप करत गर पूरी काट में, बंधत कमल के, और मधुप कहता है बौरे को, यानी बौरा जो काट, काट कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी को फोड़कर उसमें छेद कर देता है, अपना घर बना लेता है। मधुप करत घर पूरी काट में, यानी बौरा लकड़ी को फोड़कर उसमें छेद कर लेता है, उसमें अपना घर बना लेता है। और वही बौरा बंधत कमल के पार, वही बौरा कमल के कोमल पत्तों में बंध जाता है और फिर उसको छेद नहीं करता है, उसको साथ किसी प्रकार का मतलब उसको नहीं तोड़ता, यानी वही मधुप जो कठोर लकड़ी को तोड़ सकता है, कमल के पत्ते के अंदर आसानी से बंध जाता है। तो ये मन को अच्छी लगने वाली बात है कि ये चीज उसको पसंद आई इसलिए वो यहाँ रह गया, और कठोर चीज को भी तोड़ने वाला कमल के कोमल पत्तों में भी बंधे हो गया। जो पतंग हित जाने आपनो, दीपक सुलगता, यानी पतंगा जो कीड़ा होता है, पतंगा होता है वो दीपक से प्रेम करता है, उसकी लो होती है, उसकी प्रकाश भी अच्छा लगता है और वो उसमें लपट जाता है, अर्थात उसमें जलकर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताई सुवार। सूरदास ये क्या कहते हैं कि जिनका मन जैसा होगा उनको वैसी ही सुहात का मतलब अच्छी लग रही, वही चीजें अच्छी लगेगी। हमें आपकी निर्गुण भक्ति की जो है ज्ञान की बात है वो हमें पसंद नहीं है, हमें तो सिर्फ कृष्ण ही पसंद है, इसलिए चाहे वो हमारे लिए अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमें तो वही पसंद है और वही उन्हीं का अनुसरण करेंगे, उन्हीं को मानेंगे। तो ये इस प्रकार आपका पहला पाठ खत्म हो गया, अगला पाठ तुलसीदास अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।